दोस्तों, क्या आप भी ये सोचते हैं कि भगवान सच में होते हैं या ये सब हमारे पूर्वजों का एक वहम है? क्या ऐसी कोई शक्ति है जो इस संसार को चला रही है, या फिर विज्ञान के अनुसार ये एक हमारा मानसिक रूपी वहम है? आज का यह हमारा वीडियो इन्हीं रहस्यों के ऊपर आधारित है। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ साक्ष्यों के साथ कुछ ऐसे सबूत भी पेश करेंगे जिन्हें कोई झुठला नहीं सकता है, जिससे ये साबित हो जाएगा कि भगवान आज भी इस धरती पर विराजित हैं। आज हम इस वीडियो में एक नहीं बल्कि एक एक करके 20 ऐसे सबूत उदाहरण के साथ आपको दिखाएंगे जिन्हें देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और आपको भी यकीन हो जाएगा कि भगवान वास्तविक रूप में हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं भगवान के होने के जिंदा साक्ष्य। नंबर एक, रावण का महल। तो दोस्तों, रावण का महल भगवान के होने का सबसे बड़ा साक्ष्य है। यह महल श्रीलंका में आज भी मौजूद है, जिसे हनुमान जी ने अपनी पूंछ से जला दिया था। इस वजह से इस महल का रंग आज भी काला दिखाई देता है। आज भी रावण से जुड़े कई अवशेष आपको श्रीलंका में देखने को मिलेंगे। और यह सबसे बड़ा साक्ष्य है कि अगर रावण का महल था तो श्री राम जी इस धरती पे जरूर थे। नंबर दो, प्रभु श्री रामचंद्र जी के होने के सबूत। तो दोस्तों, रामायण ग्रंथ प्रभु राम जी के होने का सबसे बड़ा सबूत है, जिसे वाल्मीकि जी ने स्वयं लिखा था, जिसमें प्रभु श्री राम जी के जीवन की संपूर्ण जानकारी है। यह भगवान श्री राम जी के होने का दूसरा सबसे बड़ा सबूत है। इसके अलावा श्री रामचरितमानस में भी आप प्रभु श्री राम जी के धरती पर होने के कई साक्ष्य पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, नंबर तीन पे है पानी में तैरता हुआ पत्थर। भगवान श्री राम जी के धरती पे होने का सबसे बड़ा तीसरा सबूत है पानी में तैरता हुआ पत्थर, जो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में इस नदी में तैरता हुआ मिला। और इस पत्थर पर भगवान राम जी का नाम लिखा हुआ है और यह पत्थर आज भी पानी में तैरता है, जो करीब 5 किलो 700 ग्राम वजन का है। चौथा सबूत राम सेतु है। दोस्तों, आज भी राम सेतु के अवशेषों को दक्षिण भारत से लेकर श्रीलंका के बीच समुद्र में बने पत्थरों के श्रृंखला के रूप में देख सकते हैं, जिसे प्रभु श्री राम जी ने त्रेता युग में वानरों की सेना के साथ मिलकर बनाया था, जिसके ऊपर से चलकर प्रभु श्री राम जी ने वानरों की सेना के साथ श्रीलंका में प्रवेश किया था। भगवान के होने का ये चौथा सबसे बड़ा साक्ष्य आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। आज इस राम सेतु को कुछ लोग प्यार की निशानी भी मानते हैं, क्योंकि 30 किलोमीटर समुद्र तल के ऊपर बना यह सेतु भगवान जी ने माता सीता को वापस लाने के लिए बनाया था। दोस्तों, नंबर पाँच में है अशोक वाटिका। तो भगवान श्री राम जी के होने का सबसे बड़ा पांचवा सबूत अशोक वाटिका है, जहां पर रावण ने सीता माता का अपहरण करने के बाद उनको रखा था। ऐसा कहा जाता है कि जब रावण ने सीता माता का अपहरण किया था, तब उनको इस एलिया पर्वत नामक स्थान पर एक गुफा में रखा था। यही वह जगह है जिसे आप वीडियो में देख रहे हैं, जहां पर रावण का पुष्पक विमान उतरा था और जहां सीता माता को रखा गया था। इस जगह का नाम गुरुलपोटा है और इसे लोग सीता कोटुआ के नाम से जानते हैं। यहां पर्वत के ऊपर सीता माता का एक मंदिर भी बना हुआ है, जो कि इस बात की गवाही देता है कि यहां पर सीता माता को रखा गया था और लोग इस मंदिर के दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं। नंबर छह, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए गए ब्रह्मास्त्र का वर्णन महाभारत और रामायण जैसे महान ग्रंथों में देखने को मिलता है। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र को सृष्टि संरक्षण के लिए बनाया था, जिसका धमाका आज के न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा था और इस बात को वैज्ञानिक भी मानते हैं। नंबर सात में है भगवान श्री कृष्ण जी के होने के सबूत। भगवान श्री कृष्ण जी के होने का सबसे बड़ा सबूत महाकाव्य महाभारत ग्रंथ है,
जिसे महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा था। इस ग्रंथ में महर्षि वेदव्यास ने महाभारत काल के सारी रचनाओं का वर्णन किया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने पांडवों का साथ दिया था। नंबर 8 पे है जगन्नाथपुरी का मंदिर। यह एक ऐसा मंदिर है जिसके ऊपर ना तो कोई पक्षी कभी बैठता है और ना ही इसके ऊपर से उड़ के जाता है। इस वजह से भारत सरकार ने भी इस मंदिर को नो फ्लाइंग जोन की कैटेगरी में रखा है। इसके अलावा इस मंदिर के ऊपर जो ध्वज है वो हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता रहता है। यह चमत्कार भगवान जगन्नाथ जी के होने का साक्षात वर्णन करता है। नंबर 9, द्वारका नगरी। महाभारत काल में द्वारका नगरी का वर्णन किया गया है और इस नगरी के राजा भगवान श्री कृष्ण जी थे, जिन्होंने धरती से जाने से पहले द्वारका नगरी को समुद्र में डुबो दिया था। आज इसके साक्ष्य गुजरात के किनारे समुद्र के अंदर मिलते हैं। पुरातत्व विभाग को समुद्र के नीचे एक सुंदर पुराना शहर मिला है और छानबीन करने के बाद सबूतों के आधार पर यह पाया गया है कि यह द्वारका नगरी है। नंबर 10, भगवान हनुमान जी के होने का सबूत। तो भगवान हनुमान जी के होने के कई साक्ष्य हमें महाभारत महाकाव्य में देखने को मिल जाते हैं। जब हनुमान जी ने अपने हृदय को चीर कर प्रभु राम जी और माता सीता के चित्र का दर्शन सबको करवाया था, तब माता सीता ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को अमर होने का वरदान दिया था। तब से लोगों का यह मानना है कि आज भी इस धरती पर भगवान हनुमान जी रहते हैं और कई महापुरुषों ने इनके दर्शन भी किए हैं, जिसमें स्वामी रामानंद जी और स्वामी तुलसीदास जी शामिल हैं। लोगों की ऐसी धारणा भी है, जब कोई हनुमान जी को सच्चे दिल से याद करता है, उनकी प्रार्थना करता है, तो भगवान जी उन्हें मुसीबतों से उबारते भी हैं और उन्हें दर्शन भी देते हैं। नंबर 11, लिपाक्षी पदचिन्ह। भगवान हनुमान जी के होने का सबसे बड़ा सबूत लिपाक्षी का मंदिर है, जो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि जब जटायु दर्द में तड़प रहे थे, तब श्री राम जी हनुमान जी के साथ इस जगह पर आए थे और जटायु से मिले थे, और तभी यहाँ पर हनुमान जी के पद चिन्हों के निशान पड़े। नंबर 12, लंका में पद चिन्ह। दुनिया में अलग अलग जगहों पर भगवान हनुमान जी के पैरों के निशान मिले हैं, जिसे भगवान हनुमान जी के धरती पे होने के सबूत के रूप में देखा जाता है। ऐसे ही एक पैर का निशान श्रीलंका में भी है। जब हनुमान जी दक्षिण भारत के समुद्र को लांग कर श्रीलंका में पहुंच गए थे, जहां पहुंचकर प्रभु हनुमान जी ने अपना पहला कदम रखा था, वहीं पर ये निशान बन गए थे, जो आज भी देखने को मिल जाते हैं, जिसके अवशेष आज भी वहां पर स्पष्ट रूप में दिखाई देते हैं। दोस्तों, नंबर 13 पे है हनुमान गढ़ी। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब सीता माता का अपहरण हुआ था, तब प्रभु श्री राम जी उनको ढूंढते हुए इसी जगह पर आए थे और यहाँ पर उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई थी, और इसके बाद प्रभु हनुमान जी इसी जगह पर बैठकर प्रभु राम जी का ध्यान करते थे और उनका इंतजार करते थे। तब से इस जगह का नाम हनुमान गढ़ी पड़ गया था। नंबर 14, मलेशिया में हनुमान जी के पद चिन्ह। मलेशिया में एक पेनांग मंदिर स्थित है, जिसके अंदर भगवान प्रभु हनुमान जी के पैरों के निशान हैं। इस साक्ष्य से ये प्रमाणित होता है कि इस जगह पर भी हनुमान जी गए थे, जिसे आप वीडियो में देख सकते हैं। नंबर 15 में है मेहंदीपुर बालाजी। हनुमान जी का यह मंदिर राजस्थान में स्थित है, जिसे मेहंदीपुर बालाजी के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में हनुमान जी बालाजी की मूर्ति के रूप में विराजमान है। यह मंदिर हनुमान जी के सभी चमत्कारिक मंदिरों में से एक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर पे जो भी बीमार व्यक्ति आता है, वह पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर ही अपने घर वापस जाता है। नंबर 15, शिवजी के होने के साक्ष्य। देवों के देव महादेव कहे जाने वाले भगवान शिव जी के होने का सबसे बड़ा सबूत
शिव महापुराण ग्रंथ है। इस ग्रंथ में वर्णित भगवान शिव से संबंधित हर एक स्थान का नाम पृथ्वी पर मौजूद है, जहां पर शिवजी के होने के बहुत सारे सबूत मिलते हैं, जिनका वर्णन शिव महापुराण में विस्तार में बताया गया है। नंबर 16, केदारनाथ मंदिर। दोस्तों, आपको केदारनाथ त्रासदी का वो दिन याद होगा जब उत्तराखंड में बादल फटा था। इस दिन 16 जून 2013 की तारीख थी। इस दिन केदारनाथ में इतनी बड़ी त्रासदी हुई कि मंदाकिनी नदी उफान पर चल रही थी, जो रास्ते में आ रहे सभी घर पहाड़ को अपने साथ बहा के ले जा रही थी। इसी बीच मंदाकिनी नदी केदारनाथ मंदिर को भी अपने साथ बहा कर ले जाना चाहती थी, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ और केदारनाथ मंदिर के समक्ष एक शिला प्रकट हुई, जिसने पानी के बहाव को दो हिस्सों में बांट दिया और केदारनाथ मंदिर सुरक्षित इस जल प्रलय में भी खड़ा रहा। यह चमत्कारित घटना भगवान शिवजी के प्रकट होने का साक्षात प्रमाण है। इसके अलावा अमरनाथ शिवलिंग भी भगवान शिवजी के प्रमुख स्थलों में से एक है। यह तीर्थ स्थल जम्मू और कश्मीर की राजधानी कहे जाने वाले श्रीनगर से लगभग 135 किलोमीटर दूर एक गुफा में स्थित है। यहाँ की विशेषता यह है कि यहाँ पे जो शिवलिंग बनता है वो अपने आप ही बनता है और अपने भक्तों को दर्शन देने के बाद अपने आप ही विसर्जित भी हो जाता है। वैज्ञानिक भी इस रहस्य का पता आज तक नहीं लगा पाए हैं। नंबर 17 पे है कैलाश पर्वत। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कैलाश पर्वत भगवान शिव जी का धाम है, जहाँ पर माता पार्वती के साथ शिव जी विराजमान है। इस स्थान पर आज तक कोई भी व्यक्ति नहीं गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस स्थान पर पहुंचने की कोशिश करता है वह दिशाहीन हो जाता है और कभी वापस लौटकर नहीं आता है। नंबर 18, काल भैरव मंदिर। काल भैरव मंदिर उज्जैन में स्थित काल भैरव का मंदिर है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर में आज भी काल भैरव जी को मदिरा पान प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। इस मंदिर की सच्चाई जानने के लिए अंग्रेजों ने इस मंदिर के चारों ओर खुदाई करवाई थी, लेकिन जब उन्हें यहाँ पर कुछ नहीं मिला तो वह भी काल भैरव के उपासक बन गए और उन्हें मानने लगे। नंबर 19, भगवान शनि देव जी के होने के सबूत। भगवान शनि देव, जिन्हें न्याय का देवता माना जाता है, भगवान सूर्य के पुत्र शनि देव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जिस पे शनि देव जी की तिरछी दृष्टि पड़ जाए उसका जीवन कठिनाइयों से भर जाता है, और वहीं जिस पे शनि देव खुश हो जाए उसकी तकदीर बदल देते हैं। भारत के महाराष्ट्र राज्य में एक सिग्नापुर नामक गांव है, जहां पर शनि देव जी का मंदिर है। इस मंदिर में साक्षात शनि देव जी विराजमान हैं। इस मंदिर में शनि देव जी की एक शिलाखंड भी है, जिसे वहीं के गांव वालों ने स्थापित किया था। ऐसा कहा जाता है कि जो भी इस मंदिर में आकर सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, इस गांव की एक खासियत है कि यहां पे किसी भी घर में आपको दरवाज़ा देखने को नहीं मिलेगा और ना ही आपको कहीं पे भी ताला लगा हुआ मिलेगा। यहां के वासियों का कहना है कि स्वयं शनिदेव ही उनके घरों की रक्षा करते हैं और यहाँ पर उनके साक्ष भी देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मौका मिले तो इस गांव में जाकर आप इस चीज़ की पुष्टि भी कर सकते हैं कि सच में वहाँ पर किसी घर में दरवाजे हैं या नहीं हैं। यह शनि देव भगवान के होने का सबसे बड़ा साक्ष्य है। नंबर 20, माता वैष्णो देवी के होने के सबूत। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर में स्थित माँ वैष्णो देवी जी का मंदिर है। इस मंदिर में तीनों शक्तियां मां वैष्णो के साथ विराजमान हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार पंडित श्रीधर जी को मां वैष्णो जी ने इसी स्थान पर दर्शन दिए थे। हिंदू तीर्थ स्थलों में सबसे श्रेष्ठ स्थल इसी जगह को माना जाता है, जहां पर लोग दर्शन करके मन चाहा फल पाते हैं। धरती पर आज भी माता सती के 51 शक्ति पीठ हैं। कहा जाता है कि जब माता सती के पिताजी ने भगवान शिव का अपमान किया था, तब माता सती ने अपने आप को अग्नि में प्रज्वलित कर दिया था, जिसके बाद भगवान शिव मां सती के जले हुए शरीर को लेके
पृथ्वी के चारों ओर विलाप करते हुए परिक्रमा कर रहे थे। तब अदृश्य रूप में भगवान विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से माता के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, जो कि शक्तिपीठ के रूप में पूरी पृथ्वी में बिखर गए थे, जिसके साक्ष्य आज भी पृथ्वी पे शक्तिपीठ मंदिरों पे देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आपके भगवान के इन सबूतों के बारे में क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में अपने पूज्य देवता का नाम ज़रूर लिखें।